दोस्तों आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ वृद्धावस्था पेंसिल, विधवा पेंसिल या दिव्यांग पेंसिल का आप जब भी स्टेटस जो ना चेक करते हैं तो यहाँ पर जो ना कुछ इस तरीके की जो ना आपको एरर मिलती है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ और एप्लीकेशन इज मार्केट सस्पेंडेड ड्यू टू इनवैलिड आधार वेरिफिकेशन अटेम्प्ट एप्लीकेशन लॉक्ड। तो इसको जो ना आपको क्या एरर है ये जो ना किस तरीके से आप सही कर सकते हैं आज की वीडियो यही मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों वृद्धावस्था पेंसिल, विधवा पेंसिल और दिव्यांग पेंसिल का जो ना आप जब भी स्टेटस जो है चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो ना एरर आती है, यहाँ पर योर एप्लीकेशन इज मार्केट सस्पेंडेड ड्यू द इनवैलिड वेरिफिकेशन इन आधार वेरिफिकेशन अटेम्प्ट आधार एप्लीकेशन लॉक्ड। ठीक है, इस तरीके जो है आपको एरर आती है। तो यहाँ पर जो ना क्या है कि आपने जब भी जो ना आवेदन किया है अपना वृद्धावस्था पेंसिल या दिव्यांग पेंसिल का, जो जिसका भी जो ना आप आवेदन किया है पेंसिल का, तो आपको यहाँ पर देखिए आधार वेरिफिकेशन जो ना कराना होता है। आधार वेरिफिकेशन में जो ना तीन अटेम्प्ट जो ना दिए जाते हैं आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो तीन अटेम्प्ट में अगर आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, सक्सेसफुली नहीं होता है, तब आपको जो है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो ना सस्पेंडेड जो ना कर दिया जाता है, तब जो ना आपको इस तरीके की जो ना एरर होगी। अगर आप जो है तीन अटेम्प्ट में आधार वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं तो आपके सामने कोई इस तरीके की जो ना एरर होगी। तो आपको सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने जो आवेदन किया था तो आपका जो ना नाम की स्पेलिंग जो ना आपके आधार कार्ड से सही होनी चाहिए, आधार कार्ड से जो ना मैच होनी चाहिए। आपके नाम की जो ना स्पेलिंग आपको चेक करनी है कि आपके नाम की स्पेलिंग जो है ना मैच होनी चाहिए। तो इसीलिए जो ना आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो आपको जो ना एक इस ऐसी स्थिति में जो ना आपको एक नया आवेदन करना होगा। तो नया आवेदन करते समय जो ना आपको जो ना आधार कार्ड से अपनी नाम की स्पेलिंग जो वगैरह जो है ना सही आपको फिल करनी है, ताकि जो है वेरिफिकेशन आप जब भी करें तो आपके सामने वेरिफिकेशन एक ही बार में जो ना हो जाए, वेरिफिकेशन जो ना फेल्ड ना हो, वेरिफिकेशन एक ही बार में जो हो जाए। तो आपको एक नया आवेदन जो ना करना है अगर आपके सामने कुछ इस तरीके की जो ना एरर आती है। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।